वर्ण आश्रम का मतलब होता है चार वर्ण है, चार आश्रम है, ये लॉजिकल धर्म है, ये प्रमाणिक है, ये अनिवार्य है, कोई मानता है इसको या नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, आरोप लगाते कि हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सामाजिक है। हर एक जगह पर ये चार चीजें मिलेंगी, चार वर्ण और चार आश्रम हर जगह पे मिलेंगे। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये खाली हिंदू में बताया गया ना, ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये वर्णाश्रम धर्म आप देखिए, अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज में चला जाए तो ब्राह्मण का क्या मतलब होता है, जो बुद्धिजीव होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, तो क्या वो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर ये वर्णाश्रम धर्म को नहीं स्वीकार किया जाता वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होंगे। दूसरा क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या मतलब होता है, जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, या जो पुलिस वाले हैं, जो क्षत्रिय का मतलब होता है जो शस्त्र को संभालते हैं, तो वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो उसके अंदर ये वर्ग होता है, जो शस्त्र को संभालता है या जो प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद क्या है, वैश्य। वैश्य क्या है, जो कि खेती करते हैं या जो है ना कारोबार करते हैं, वो तो हर जगह पर मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे। और शूद्र, शूद्र का मतलब ये होता है जो कि कार्य करते हैं, इन सारे जो वर्णाश्रम है उनकी सेवा करते हैं, तो हर जगह पर मिलते हैं। और हर जगह पर ये चार विभाजन मिलेंगे। इवन हमारे अपने ही शरीर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है, क्योंकि हम मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। जो हमारी भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जो हमारा पेट है वो वैश्य है, क्योंकि उसके अंदर हम खाना, जो खाना है वो डालते हैं। और दूसरा ये हमारे जो चरण है वो हमारी सेवा करते हैं, तो वो शूद्र हैं। तो इस तरह से हर एक जगह पर जो है वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया जाता है, ये है, अनिवार्य है, ये प्राकृत वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है, यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं।